बोलो क्या तक मॉडल के जो साउंड्स है जो भी डाउट्स है वी विल डू दो सब्स चलो क्या रहा सो लास्ट टाइम वी हैड सीन सीआरएमएस वगैरह के हम लोग ने यहां पे फार्मूले देखे थे ओके सो सीआरएमएस का हम लोग ने फार्मूला वगैरह देखा था ओके सीआरएमएस का फार्मूला क्या था चेक द फार्मूला सीआरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 आर डिवाइडेड बाय एम नॉट ठीक है सो अंडर रूट 3 आर डिवाइडेड बाय एम नॉट ठीक है अभी यहां पे देखते हैं वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट अभी यहां पे देखते हैं ओके So we are going to solve some sums based on this. हम लोग ने शायद से दो सम सॉल्व किए थे दो या तीन चार किए थे ओके तो पहला सम कौन सा था ओके तो प्रेशर फाइंड करना था ओके एंड सेकंड वाज सीआरएमएस फाइंड करना था फिर सेकंड में काइनेटिक एनर्जी थर्ड में सीआरएमएस और फोर्थ वाज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल ओके चलो क्लियर ओके राइट डाउन ओवर हियर राइट डाउन यस क्वेश्चन है सो राइट डाउन लास्ट टाइम के ही हम लोग ने एक दो सम सॉल्व करेंगे ठीक है देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट कांसेप्ट ओके राइट डाउन इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फ्री पाथ इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फ्री पाथ इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फ्री पाथ इज 8 मीटर is 8 meter 12 meter is 8 meter 12 meter 15 meter 8 meter 12 meter 15 meter and 23 meter the other the measurement distance cover hote generally theek hai right theek hai calculate the mean free path calculate the mean free path बताओ मेन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या था एवरी वन तुरंत मेरे से चेक कर फॉर्मूला मेन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या था बताओ कि कितने यहाँ पे 10 मिनट कितने यहाँ पे ये है डिवाइड बाय 4 कर दो कोई है जिसको नहीं आया आ गया ओके एवरीवन गॉट द आंसर 14.4 आ गया सबको ठीक है 14.4 आ गया लास्ट बेंच आ गया सबको आ गया पक्का ठीक है चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ठीक लेट अस द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ 5 मॉलिक्यूल्स हैव वेलोसिटी If 5 molecules have velocities 100 meter per second 200 meter per second 300 meter per second 400 and 600 100, 200, 300, 400, and 600. Calculate the RMS velocity. Calculate the RMS velocity. RMS velocity ka formula kya tha? Everyone turn the pages and check. Everyone turn the pages and check.
रूट ऑफ 7 स्क्वायर पहले सबको स्क्वायर करेंगे ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय n देन वी विल गेट द आंसर सेकंड में 100 टेल मी गैस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है
नहीं हो रहा, गैस तो चेंज नहीं हो रहा है, और वो लोग स्पेसिफाई करते थे कि फर्स्ट ऑक्सीजन है, सेकंड हाइड्रोजन है, कुछ तो स्पेसिफाई करते थे। टेल मी कि अगर CRMS का ये वाला फार्मूला है तो CRMS का फार्मूला क्या होता है? रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m नॉट, तो 3RT डिवाइडेड बाय m नॉट। R कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है। m नॉट गैस चेंज हो रहा है तो मास भी क्या रहेगा? नॉट कांस्टेंट। तो C1 डिवाइडेड बाय C2 will be equal to root of C1 divided by C1 का वैल्यू कितना दिया है? 50। C2 का वैल्यू कितना दिया है? 100। root T का वैल्यू, T1 का वैल्यू कितना दिया है? कितना दिया? 300। T2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, सब्स्टिट्यूटिंग इन दिया and
जगह चेंज करो लगता जब सर दुख रहा है मेरा सब ऊपर देख देख के ya,
227 डिग्री सेल्सियस ठीक है। अभी दो के एसएस मैंने मिक्स कर दिए, आरएमएस स्पीड का नहीं रेशो, नहीं सिर्फ आरएमएस स्पीड चाहिए, मैं मिक्स कर रहा हूँ दो गैसेस को, दो गैस मिक्स करूंगा तो कोई सिंगल गैस बनेगा, उसका मुझे आरएमएस स्पीड चाहिए। तो टेल मी अभी लाइक आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला √3 r/m0 में क्या सब्स्टिट्यूट करूं? एवरेज मोलर मास, बट एवरेज में अगर आप देख रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या दिया, ऑक्सीजन लेस है हीलियम ना, ऑक्सीजन लेस है हीलियम ज्यादा है, एवरेज लेंगे क्या? अगर सपोज की दो गैसेस में अलग अलग मिक्स करता हो तो यहाँ पे मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास विल बी इक्वल टू, सिंपल है फॉर्मूला, m1 n1 plus m2 n2 divided by n1 plus n2 ठीक है। ठीक है, तो जो भी है वैल्यू बस ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर दो।
मुझे बस रेशियो बता दो, मुझे बताओ जो आपको मोलर मास आता है वो ग्राम में रहता है या केजी में? कल भी हमने यही किया है, ग्राम कन्वर्टेड इन केजी। ग्राम पर मोल में आता है। फॉर्मूला सी वन डिवाइडेड बाई सी टू विल बी इक्वल टू, दोनों सॉरी रेशियो नहीं चाहिए ना, सिर्फ हम लोग को यही चाहिए। आर एम एस स्पीड चाहिए, आर एम एस सी आर एम एस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ थ्री आर टी डिवाइडेड बाई एम नॉट, थ्री आर, आर का वैल्यू 5/3 लिख, 25/3 लिख सकता हूँ। टी टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया है 500 केल्विन, 227 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ये कितना हो गया 12, दिस विल गेट कैंसिल्ड आउट। ओके, तो इतना इनटू 10^-3, तो 10^+3 न्यूमरेटर में चला जाएगा। यस, कैन आई राइट दिस पार्ट एज 25 को मैं 5 बाहर ले लेता हूं, ठीक है, सो ओवर हियर 5 पे बाहर ले रहा हूं, इनटू 10^3 इनटू रूट ऑफ 1/24 बराबर है 500 को मैंने क्या लिखा है 1000/2, तो 1000/2 तो 1000 × 1000 मतलब 10^3 का स्क्वायर है, 10^3 बाहर ले सकता हूं मैं, बराबर है 2 था ना, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा 24 आ गया। आई होप एवरीवन गॉट द आंसर। कौन सा क्या डाउट है क्वेश्चन? 500 था, 500 को मैंने क्या लिखा 1000/2, तो 1000 × 1000 मतलब 10^6 है, 10^6 में से 10^3 बाहर आ गया, ठीक है, क्या नहीं समझे? ये सब्स्टिट्यूशन समझे, एटलीस्ट सब्स्टिट्यूशन समझो, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, 25 का रूट 5 ये बाहर आ गया, 500 है, इसको मैं 1000/2 लिख सकता हूँ ना, इन 12 × 10^3 10^6 10^6 में से 10^3 बाहर। आई होप सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस, ठीक है, इज एवरीवन क्लियर विद दिस पॉइंट? ओके बोलिए, 500 को मैं वही मैं बता रहा हूँ, 500 ये समझे मैं 25 में से रूट बाहर, 25 का रूट क्या 5 है जो मैंने बाहर ले लिया, 500 को मैं 1000/2 लिख सकता हूँ, 1000 मतलब 10^3 ना, डिवाइडेड बाय 2, 12 24। ओके, आई होप एवरीवन हैज कंप्लीटेड दिस पार्ट। आज हम लोग थर्मो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, देखिए मेरे को, आई होप एवरीवन हैज कंप्लीटेड दिस पार्ट, ठीक है, चलिए डन, शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? सो ओवर हियर देखिए, तो हम लोग ने यहाँ पे दो बॉडीज का अगर मैं मिक्स करूंगा दो गैसेस को, तो यहाँ पे C उसका नेट M का वैल्यू क्या आएगा, N1C1+N2C2, तो जो फॉर्मूला है ना उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट कर लो या फिर बॉक्स में लिख दो, M1N1+N2N2 जो फॉर्मूला लिखा उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, ठीक है, ओके चलो, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ लुक हियर, we will start with the next part, look here, that is
वी आर गोइंग टू चेक द मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ध्यान देना आप। इसमें कुछ ज्यादा टफ सम्स नहीं आते के डीजी में, थर्मो में आते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, के डीजी में सब बेसिक बेसिक से सम्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बिफोर वी गोइंग टू द मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग बिफोर वी चेक मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या मैक्सवेल्स इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। जेडब्ल्यू वाले, यू आर गोइंग टू स्टडी दिस पार्ट लेटर इन मैथमेटिक्स, ओके, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, एवरीवन लुक हियर नाउ। सो इफ आई कंसीडर सबसे पहले बिफोर वी गोइंग टू द ग्राफ, ग्राफ किसके बीच में, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट, लेट मी गिव यू अ सर्टेन डेटा, उसके हिसाब से लेट अस चेक व्हाट इज द ग्राफ एंड हाउ टू यूज द ग्राफ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वेरियस थिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग है, ठीक है, इसका एक्चुअली आपको डेरिवेशन जरूरी नहीं है, सीआरएमएस का तो मैंने डेरिवेशन आपको दे दिया, ठीक है। वैसे ही सी एवरेज और सी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का आपका वैल्यूज आते हैं, ओके। बिफोर वी गोइंग टू दैट पॉइंट अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, सपोज इफ आई टेक अ बॉडी, ठीक है, सपोज इफ आई टेक अ गैस, गैस का मैंने एक बॉडी ले लिया, उसके अंदर इफ आई टेक न्यूमरस मॉलिक्यूल्स, तो न्यूमरस मॉलिक्यूल्स विल हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, तो वेलोसिटीज कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है, All the velocities are possible over here, ठीक है? So कौन से velocities possible है? सबसे पहले देख लेते हैं। Let us consider कि मेरे पास बहुत सारे gas molecules हैं, ठीक है? अगर मैंने एक mole of gas भी ले लिया, तो मेरे पास कितने gas molecules हो जाएंगे? 10^6 × 10^23, roughly, approximately 6 × 10^23. तो ये सब individual molecule का अगर मैं data निकालूंगा, तो ये डेटा कुछ ऐसे आ जाएगा विच इज डिराइव फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ग्राफ, ठीक है, ध्यान देना ग्राफ क्या है एंड हाउ टू गेट दिस ग्राफ। सपोज कि एक मॉलिक्यूल है, उसका वेलोसिटी है 1, ठीक है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 और 3 है, 4 4 4 5 5 5 5, ठीक है, उसके बाद 6 6 6, उसके बाद 7 7, उसके बाद 8 और 10, कितने मॉलिक्यूल्स है, काउंट कर लो एक फटाफट, कितने मॉलिक्यूल्स है, 18, करेक्ट है, 18 मॉलिक्यूल्स है। अब फिलहाल के लिए आई विल राइट डाउन द डेटा ओनली फॉर द 18 मॉलिक्यूल्स, बट अगर आप हाफ मोल या 0.1 मोल भी ले लोगे, 0.0001 मोल भी ले लोगे, फिर भी आपको डेटा कितना आ जाएगा, 10^15 में आ जाएगा। अगर आप 0.00001 भी ले लोगे, आपको 10^15 मॉलिक्यूल्स का डेटा होता तो मैं अभी लिख नहीं सकता, फिलहाल के लिए ये डेटा देख लेते हैं, ठीक है। अब ये डेटा, दिस डेटा आई एम गोइंग टू प्लॉट इट ऑन द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ठीक है, तो ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, लेट अस चेक द ग्राफ, नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस द स्पीड, ठीक है, आई एम गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द स्पीड, एकदम सिंपल सा ग्राफ है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ओके, जस्ट लुक एट द डेटा एंड यू विल गेट द आंसर। मुझे बताओ स्पीड जो है मैंने कौन सा एक्सिस पे प्लॉट किया है, x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन कितने कौन सा एक्सिस पे प्लॉट किया है, ठीक है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग ग्राफ, ओके। सो लुक हियर, सो सबसे पहले वन स्पीड कितने मॉलिक्यूल का था, देखिए, तो x पे क्या आ जाएगा 1, y पे क्या आ जाएगा, मुझे यहां पे कहां पे तो पॉइंट आ गया रफली, नेक्स्ट 2 स्पीड कितने मॉलिक्यूल्स का था 1, ठीक है, 3 स्पीड कितने मॉलिक्यूल्स का था 2, उसके बाद 4 कितने का था 3, उसके बाद 5 4, उसके बाद 6 5, यानी कितने 3, वापस यहां पे 7 2, ठीक है, एक 8 और एक 9 स्किप होके 10। इफ आई प्लॉट दिस ग्राफ, तो ये ग्राफ है ना, अगर मैं कंटीन्यूअस ग्राफ यहां पे प्लॉट करूं फॉर 10^23 मॉलिक्यूल्स, तो मुझे कुछ ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अभी तो ये अगर आप देखोगे तो ये इंडिविजुअल पॉइंट्स है, तो आपको ऐसे दिखा देगा कि ऐसे 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 पॉइंट होगा, बट अगर मैंने एक्चुअली 10^23 मॉलिक्यूल्स का प्लॉट किया, इट विल लुक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। सो 10^23 क्या, 10^10 का भी आपने प्लॉट कर दिया, तो कुछ आपको ऐसे ग्राफ दिखाई देगा, ठीक है। सो मुझे बताओ इज दिस ग्राफ, ग्राफ कौन से दो क्वांटिटीज के बीच में बना है, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस लेट मी राइट डाउन सर्टेन डेटा, लेट मी राइट डाउन द सर्टेन डेटा, पहले डेटा आई विल राइट डाउन फॉर द सीआरएमएस, जो आपको वैल्यू पता है मैं इसमें प्लॉट कर लूंगा वैल्यू, ठीक है, ध्यान देना। सीआरएमएस, सीआरएमएस का वैल्यू कितना था, √3 RT डिवाइडेड बाय m नॉट, m नॉट मतलब किस पे डिपेंड करेगा, मास, मास ऑफ द गैस, मतलब नेचर ऑफ द गैस, बराबर है। अभी ऑक्सीजन है, उसका तो मास सेम ही रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द टेंपरेचर, अनलेस आई ब्रिंग इन द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, तब तक उसका मास क्या रहेगा, सेम। इसमें और एक वैल्यू होता है सी एवरेज,
एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? एक्सेलेंट, ये आपने किया है 8 बाय पाई आर टी डिवाइडेड बाय एम नॉट एंड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू रूट 2 आर टी डिवाइडेड बाय एम नॉट, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपने किया है केमिस्ट्री। चलो क्लियर, देन वी प्लॉट दिस ग्राफ, शायद आपने ग्राफ भी किया रहेगा, ठीक है, किया ग्राफ भी किया, ओके। टेल मी वन सिंपल थिंग, अगर ग्राफ किया है तो आपको ये फटाफट पहुंच जाना चाहिए। टेल मी वन सिंपल थिंग कि ये जो सबसे पीक वैल्यू है, मुझे बताओ ये पीक वैल्यू कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले में मैंने जो डेटा दिया उसमें देख लिया, सबसे ज्यादा किसको कर रहा है? सी 6 5 को, करेक्ट है, 5 मतलब सबसे ज्यादा। अगर मैं सपोज के रैंडमली एक नंबर उठाऊं, ये 18 नंबर में से 18 17 जितने भी है उसमें से एक रैंडम नंबर उठा लिया, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कौन से नंबर का आने का है? तो मुझे बताओ ये कौन सा वैल्यू हो गया, प्लॉट कर दिया सीपी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, आरटी बाय एम नॉट तो सब में कॉमन है, सिर्फ अंदर के वैल्यूज ज्यादा है, ये कितना है 2, सी आर एम एस का वैल्यू अंदर क्या है 3, तो ये CRMS राइट में होगा या लेफ्ट में होगा? सो CRMS विल बी समवेयर ओवर हियर, ठीक है, लेट जस्ट बी इक्वल टू CRMS। टेल मी वन सिंपल थिंग, C एवरेज 8 बाय पाई है, 8 बाय पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, 8 डिवाइडेड बाय 3.14 रफली बता दो 2. समथिंग आ जाएगा, 2.5 2.6 आ जाएगा रफली, तो 2.6 मतलब 2 से ग्रेटर है या स्मॉलर है? मतलब C P के राइट में होगा या लेफ्ट में? What about CRMS? 3 से लेस है या greater? Left में smaller है ना? It will be towards left. कह रहे हैं ये दोनों के बीच में आ जाएगा कहाँ पे तो? कह रहे हैं C average will be somewhere over here. Is this part clear to everyone? Doubt है तो पूछ लो. Okay, चलिए. So this is the value of CRMS, CP और ये सबसे ज़्यादा molecule जिसके रहेंगे वो. Actually, probability graph is very interesting. Based on this this probability graph, we will use for most of the methods, ठीक है? Most of the methods में हम लोग ये probability graphs लिखते हैं, ठीक है? So यहाँ पे we are going to check the probability graph, okay? So probability graph में we are going to use this graph for as many things as possible. अगर आप देखोगे, this graph is very useful in order to connect the demographics of their behavior. मतलब most of the लोग क्या परचेस करेंगे, ये सब अगर आप देखोगे जो एमेजोन का स्टैटिस्टिक्स बनते हैं कि मतलब ये एरिया में यही परचेस करने वाले हैं, इट इज बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ग्राफ, ठीक है। सो दिस इज वेरी यूजफुल, अगर आप देखोगे ना इसका टेक्निकल यूज बहुत ज्यादा है, ओके। इफ यू कंसीडर, लेट मी गिव अ प्रैक्टिकल बिजनेस एग्जांपल, दैट इज ऑफ द एशियन पेंट्स, ओके। एशियन पेंट्स अगर आप देखोगे, इट ओन्स ऑलमोस्ट 70% 70-80% ऑफ द इंडियन पेंट मार्केट, ठीक है, तो उसको बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके पास मींस इंडिया का ऑलमोस्ट फर्स्ट उनके पास सुपर कंप्यूटर आया था, एंड दे यूज्ड टू प्लॉट दिस ग्राफ, ठीक है, सो दे कैन गिव यू एक्यूरेटली विद 95-96% प्रोबेबिलिटी कि एक एरिया में से कौन सा कलर उन लोग का बाय होगा, दे कैन गिव यू दैट मच एक्यूरेसी, सो दिस प्रोबेबिलिटी ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। The supercomputers, most of the supercomputers prediction वगैरह ये सब probability graph पे base होता है। लेकिन this is a very interesting graph। आपको कुछ ज़्यादा detail में नहीं है, आपको बस इतना values याद रखने हैं। Is this part clear to everyone? चलिए, let us go to the next part। अब यहाँ पे ध्यान दो। Based on the Maxwell's distribution, there is something called as law of equipartition of energy, ठीक है? Law of equipartition of energy, ठीक है? मुझे बताओ आपको kinetic energy per mole क्या आया था? Everyone turn the pages and check the formula. Kinetic energy per unit mole क्या आया था? Check करो. So kinetic energy per unit mole per mole इतना आया था 3/2 kV into T. सॉरी आपने पोल पर मोल लिया है ना, क्योंकि आ गया यहाँ पे R into T, करेक्ट है, सो पर मॉलिक्यूल कितना आएगा kV into T, ठीक है, सो 3/2 R into T, ठीक है। मुझे बताओ ना, ओपन द वेरी फास्ट KTG डायग्राम जो आपने कल निकाला है, ओपन दैट पार्ट एवरीवन, जो आपने एक क्यूब निकाला रहेगा, ओपन दैट पार्ट एवरीवन,
So, अगर आपने देखा वहां पे velocities लिखे हैं U1, V1 और W1 करेक्ट है, वो कौन से velocities है, translational या rotational? Translational करेक्ट है, linear velocities है, so कह रहे हैं दिस आर द linear velocities, कितने एक्सिस में है? कह रहे हैं तीनों एक्सिस में प्रेशर सेम है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/PV बराबर है, अब प्रेशर तो हर एक सेक्शन में सेम है, तो Px will be equal to Py is equal to Pz बराबर है, अब यहाँ पे प्रेशर सेम है, कह रहे हैं तीनों एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम, सो अगर तीन एक्सिस मिला के 3/2 R × T है, तो एक एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, ट्रांसलेशनल में दिख रहा हूँ, रोटेशनल हम लोग बाद में देखते हैं, एक एक्सिस का ट्रांसलेशनल एनर्जी कितना आ जाएगा यहाँ पे, कह रहे हैं 3/2 R/T / 3 which is equal to ½ × R/T, so कह रहे हैं say kinetic energy along x-axis, इसका second और third part आपको solve करना है, so please pay attention, easy है, ठीक है, second, third और fourth भी, ठीक है, anyone look here, kinetic energy along x-axis will be equal to कितना रहेगा, ½ R/T, what will be kinetic energy along y-axis, ½ R/T, what will be kinetic energy along z-axis, so can I write this as ½ R/T, is this part clear to everyone? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, लुक एट सो काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स वाई एंड जेड विल रिमेन सेम, अगर तीनों एक्सिस में सेम है, कैन आई से द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग थ्री एक्सिस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इक्वी पार्टीशन, पार्टीशन मतलब क्या हो जाता है, डिवाइड, सो इक्वली डिवाइड हुआ है बिटवीन ऑल दिस थ्री एक्सिस, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, सो दिस इज द लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, एकदम सिंपल सा लॉ है, ध्यान देना, now based on this law we are going to calculate the specific heat ratio, ठीक है, ध्यान देना यहाँ, so over here based on this we are going to check the specific heat ratio, तो ध्यान दो यहाँ पे, so if I take the specific heat ratio, यहाँ आपको calculate करना है specific heat ratio का value, हम लोग क्या लिखते हैं जनरली CP divided by C, ठीक है, is equal to आपको वैल्यू भी याद रखना है, आगे जाके हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबेटिक प्रोसेसेस करेंगे, ओवर देयर वी विल डायरेक्टली यूज द वैल्यू, वहां पे मैं प्रूव करते नहीं बैठूंगा ये चीज, ठीक है, लुक स्पेसिफिक हीट रेशियो, बिफोर वी गो इनटू दैट पार्ट वी आर गोइंग टू चेक द थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक गैसेस दैट वी आर गोइंग टू यूज, द फर्स्ट गैस विल बी मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, द फर्स्ट गैस विल बी द मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, सो मोनोएटॉमिक गैस के लिए यहां पे देख लो, ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए देयर आर थ्री ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, सो ट्रांसलेशनल मोशन मैक्सिमम आर थ्री, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द जेड एक्सिस, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो जाएगा थ्री, नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, बिफोर वी गो इनटू दैट पार्ट, before we go into that part, before we understand the degree of freedom along translational, rotational and vibrational, main cheez pehle yahan pe likh deta hu, then we will check the degree of freedom, एक degree of freedom matlab एक axis mein body jayega to kinetic energy kitna ka produce ho raha hai, एक axis se kitna hai per mole ka, theek hai, kinetic energy per unit mole ka hai, to main likh nahi raha detail mein, but kinetic energy per mole hai, to 3 degree of freedom rahenge, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 3/2 R/T, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं क्या है, पहले ट्रांसलेशनल मोशन देख लेते हैं, रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है ऐसे अज्यूम कर, ट्रांसलेशनल मोशन कितने एक्सिस में पॉसिबल है, मैक्सिमम एक्स, तीन, एक्स वाई एंड जेड, बट हमेशा बॉडी तीन एक्सिस में ही जा सकता है, यस और नो, एग्जांपल देख लो, फिलहाल के लिए ये रोटेट हो रहा है, ऐसे अज्यूम मत करो कि मान लेते हैं कि ये फिक्स है, ये रोटेट नहीं होगा, ठीक है, ये फिक्स है, सो कैन आई से दिस कैन गो इन द, ये मान लेते हैं x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है, एवरीवन लुक, ये x है, ये y है, और ये क्या है z, ठीक है, ध्यान देना, ये कौन सा एक्सिस में जा रहा है अभी, नेगेटिव x एक्सिस,
और अगर मैं इसको ओपन कर लूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये कौन सा हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कितने एक्सिस का मॉडल जा सकता है, एक ही ना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एक्सिस तो कितना हो गया, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, कैन इट गो इन द वाई एक्सिस, मान लेते कि ये रोटेट नहीं हो सकता, तो ये वाई में जा सकता है क्या, क्या ये जेड में जा सकता है, ये बाहर आ रहा है क्या, नहीं, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशन रोटेशन या वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया अलोंग विच एक्सिस। सपोज कि इफ आई टेक अ बॉडी, सपोज इफ आई टेक अ बॉडी, लेट अस से जैसे कि मैंने एक चेयर ले लिया, रिवॉल्विंग चेयर है, ठीक है, चेयर ऐसा हो ना, मैं व्हील की बात नहीं कर रहा, ठीक है, व्हील पे मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है, सपोज यहाँ पे देयर इज अ वेरी हेवी पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है, सो चेयर कैन मूव फॉरवर्ड इन द एक्स एक्सिस, मूव फॉरवर्ड इन द वाई एक्सिस, ऐसे भी जा सकता है, बट कैन यू लिफ्ट दैट चेयर, टेल मी, इन दैट केस द बॉडी कैन मूव अलोंग हाउ मेनी एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड द y axis, positive x, negative x भी हो सकता है, positive y, negative y भी हो सकता है, but can the body move along y, z axis, but degree of freedom कितना हो गया, 2, एक तो x axis का और एक y axis का, कौन सा है, translation, rotation या vibrational, is this part clear, but degree of freedom कितना हो गया, 2, but suppose if I take this body, and suppose if I throw it, ठीक है, तो मुझे बता भी कितने axis में जा सकता है, x में, y में, as well as in the z, is this part clear? तो इसका degree of freedom कितना हो गया? कौन से motion में translation, rotation या vibration? Translation. Is this part clear to everyone? चलिए. So if I consider degree of freedom कितना हो गया? 3/2 RT. अब इसका आगे वाला part बहुत important है, ध्यान देना. तो degree of kinetic energy आया 3/2 RT. Can I say? अब ये बहुत interesting point है. जो आपने diagram निकाला है, even if I heat that body, ठीक है? Diagram ही open रखो. If I heat that body, ठीक है, मुझे बताओ क्या यहाँ पे initially क्या यहाँ पे vessel expand या contract हो सकता है क्या on heating and cooling? Yes or no? नहीं, क्योंकि ये consideration हमने क्या लिखा है, body is rigid. तो अगर body rigid है, ठीक है, open the diagram and check. ठीक है, अगर body rigid है, body rigid है, rigid का सबसे simple meaning क्या है? Even after application of external force या external pressure, will the size or shape change? No. So over here, can I say the shape and size remains the same? So over here, can I say the shape and size remains the same? Can the body expand or contract? No. So the body will remain. So look here, this part is very important. जो भी मैं heat provide कर रहा हूँ in order to heat or cool the body, जो भी मैं यहाँ पे heat provide कर रहा हूँ in order to heat or cool the body, that is happening at constant pressure. या कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे जो चेंबर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है क्या? सो द एंटायर हीटिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो जो भी हीट प्रोसेस है, एंड दिस एनर्जी, कैन आई से दिस इज द एनर्जी प्रोसेस बाय द गैसेस देमसेल्फ, सो कैन आई से दिस एनर्जी इज आल्सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब इंटरनल एनर्जी में मुझे एकदम सिंपली बताओ, मैं बॉक्स पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करता हूँ क्या? नहीं। So, मुझे बताओ कि जब भी मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करूंगा, दैट विल बी वर्क, करेक्ट है? इसलिए अगर आप देखोगे वर्क के फॉर्मूला में क्या आता है, पी एक्सटर्नल इनटू डी, बट इंटरनल प्रेशर जब भी चेंज होगा उसके वजह से बॉक्स एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? सो दैट विल बी द इंटरनल एनर्जी, इसलिए हम लोग इंटरनल प्रेशर कंसिडर नहीं करते इन द वर्क। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? कल मैंने ये पूछा था आपको कि एक्सटर्नल वर्क इनटू एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डीवी ही क्यों लेते हैं, एवरी वाले क्या? सो ये पार्ट इंटरेस्टिंग है बट इजी भी है। सो टेल मी वन सिंपल थिंग, द हीट प्रोवाइडेड विल ओनली चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकॉज द बॉक्स रिमेंस कांस्टेंट, बिकॉज द साइज ऑफ द बॉक्स रिमेंस कांस्टेंट। मुझे बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है, तो क्यू, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सपोज कि मैंने एक मास के लिए ले लिया, तो क्यू का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम एस इंटू डेल्टा थीटा या डी क्यू विल बी इक्वल टू एम एस इंटू डेल्टा थीटा। बट यहाँ पे हम लोग पूरे मासेस के साथ डील कर रहे हैं या मोल्स ऑफ गैसेस के साथ डील कर रहे हैं? मोल्स ऑफ द गैसेस, तो मुझे बताओ यहाँ पे व्हाट विल बी द चेंज इन फॉर्मूला? डी क्यू के जगह पे हम लोग जनरली डू वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मास फॉर अ गिवन गैस या नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स एन के जगह पे क्या आ जाएगा? एन। मास के जगह पे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के जगह पे सी सी या सी पी सी या सी पी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेसर है या सी पी क्योंकि वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट। अब ये जो हम लोग ने फाइंड किया काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल, पर यूनिट मोल मतलब एन का वैल्यू कितना रहेगा। सो फॉर मोल dQ का वैल्यू क्या हो जाएगा पर यूनिट मोल का, CV into d थीटा, ठीक है। यहाँ पे d दिया है, so let us take t over here, ठीक है। So I have considered t over here, so it will be equal to t, ठीक है। So in this case, so dt dt dt, okay, look it. CV का simplest formula क्या हो जाएगा, dQ divided by dt. So basically I have to differentiate this part, ठीक है। तो आपको सीधा ये फॉर्मूला नेक्स्ट इसमें सीधा आप ये फॉर्मूला से स्टार्ट करोगे, ये मैंने आपके कंसंट्रेशन के लिए लिखा है। सो CV will be equal to dQ divided by dt, इसको अगर टाइम से सॉरी टेम्परेचर से डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा 3/2 RT / dt, क्या हो जाएगा 3/2 R तो कांस्टेंट है, dt / dt क्या हो जाएगा 1। सो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू 3/2 × R। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अभी आप देखो CP और CV के बीच में क्या रिलेशन है, आई एम गोइंग टू प्रूव दैट रिलेशन अ लिटिल बिट लेटर, शायद से ये प्रूफ भी किया है आपको, ठीक है। सो CP - CV इज इक्वल टू R, तो CP विल बी इक्वल टू R + CV, करेक्ट है। तो R + 3/2 R कितना हो जाएगा 5/2 R, राइट। गामा गामा का लास्ट फार्मूला, गामा विल बी इक्वल टू CP / अगर दोनों का रेशियो ले लिया 5/2 R 3/2 R क्या आ जाएगा 5/3। दिस इज पार्ट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। यस क्या आई कैन राइट दिस पार्ट एज इंस्टेड ऑफ राइटिंग dQ आई कैन राइट दिस पार्ट एज u, u बीइंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, क्योंकि जो भी यहां पे एनर्जी है दैट इज ड्यू टू द गैसेस कंटेंट इनसाइड द चेंबर, ठीक है। So this is instead of writing it as Q, we generally write it as U. ठीक है, इसको हम लोग du भी लिख सकते हैं, ठीक है। This can be written as du, ठीक है। That is the internal energy of the body. आप समझ में आया? एक सर जो आपने CV is equal to R dQ क्या होगा? CV is equal to dQ by dt था ना, तो इसके बाद में 3/2 R लिखा हो कैसे? इसको differentiate कर लिया। ये काइनेटिक एनर्जी खुद ही इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी है और वही हीट प्रोवाइडेड, हीट आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे उसके हिसाब से आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटर्नल वर्क तो आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट। इज दिस पार्ट क्लियर, कब इज डाउन यस एसी ऑफ कर देता हूँ, वो जन रेगुलर और एडिट हो जाएगा इससे मैं बोल रहा हूँ। Thank you.
क्या कर
ये ए पार्ट है अगर डायटोमिक के नीचे लिखो ए रिजिड मॉलिक्यूल
डायटोमिक के नीचे लिखो ए रिजिड मॉलिक्यूल। तो ट्रांसलेशन मोशन कितने हो गए? 3। रोटेशन कितने हो गए? 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? सो आप इसका आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, सेम मेथड से कंटिन्यू कर ले। एवरीवन ट्राई सॉल्विंग दिस पार्ट। और मुझे लास्ट में गामा का वैल्यू बताओ। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपके लिए लिखा है। सीधा यहां से स्टार्ट करो, ठीक है, सीधा यहां से स्टार्ट कर लेना। क्या कुछ भी नहीं, यहां से स्टार्ट कर लो, थोड़ा सा देखो। यहां से लिखोगे आप लोग, यहां से लिखोगे, ये नहीं लिखना है, ठीक है। सो नॉट राइट डाउन दिस पार्ट। अब यहाँ पे वेरी वेल, लुक ओके,
एक ट्रांसलेशन मोशन का एक, तो तीन ट्रांसलेशन मोशन का कितना हो जाएगा थ्री, दो एक रोटेशन का एक, तो दो रोटेशन के कितने हो जाएंगे दो, बट एक वाइब्रेशन मोशन के दो डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं. How I am going to tell that part a little bit later mathematically or differential equation अगर आप solve करोगे तो दो आ जाएंगे. ठीक है, this is part clear to everyone. तो degree एक vibration motion के कितने हो गए दो, तो कितने हो गए degree of freedom seven. Is it continue this part? Okay, go ahead. Non-rigid. ट्रांसलेशनल थ्री, रोटेशनल दो, वाइब्रेशनल एक, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे सेवन. एक वाइब्रेशन के दो होते हैं, कैसे है वो बात में बताओ. कितना आएगा नाइन बाय सेवन, जनरल पॉली एटॉमिक गैस के लिए लिखेंगे. पॉली मतलब दो से ज्यादा रहेंगे, ठीक है, तो पॉली एटॉमिक गैस रहेगा. ठीक है, सो पॉली नॉन रेड क्या क्या आपने पहले वाले कैसे किया था सेम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सेवन है ना, क्या फर्क फिर यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम सेवन है तो सेवन बाई टू आरटी आ जाएगा. जो वहां पे थ्री था तो थ्री बाई टू आर टी, सेवन रहेगा तो सेवन बाई टू आर टी. ठीक है, समझा, राइट डाउन क्या लिखा था. पॉलीएटॉमिक गैस ट्रांसलेशन मोशन देख लो फटाफट. ट्रांसलेशन मोशन थ्री, रोटेशन मोशन थ्री, रोटेशन मोशन थ्री, वाइब्रेशन मोशन कितना लग रहा है थ्री थ्री एफ, एफ कितने भी हो सकते हैं एफ, पहले एन नंबर है तो एफ नंबर है. आप बताओ क्या सिक्स प्लस टू एफ ना, एक वाइब्रेशन के दो होते हैं तो तीन ट्रांसलेशन के तीन, तीन रोटेशन के तीन, एक वाइब्रेशन के दो, तो सिक्स प्लस टू एफ. गुड, इजी पार्ट ही है. Thank you.
दोनों के सेंटर कोइंसिडेंट हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है, ठीक है।
अगर कोइंसाइड होते हैं उन्हें हमें उन्हें हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, और अगर कोइंसाइड नहीं होते तो हम लोग उसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन लिखिए। सो अगर कोइंसाइड होंगे तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे, अगर कोइंसाइड नहीं होंगे तो पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। कैसे, क्यों, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखोगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मान लेते हैं। तो ये एक अगर सर्कुलर मोशन होता है तो एक एक्सिस में होता है या फिर एक प्लेन में होता है। प्लेन अगर आप देखोगे तो सर्कुलर मोशन का इक्वेशन x² + y² = a² आपने किया नहीं रहेगा शायद से। किया है, किया है। ठीक है, तो x² + y² = a² का इक्वेशन आता है। ठीक है, वो ये इक्वेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने वेरिएबल्स हो गए, एक तो बेसिकली कहना इससे फर्स्ट सर्कुलर मोशन कैन टेक प्लेस इन द xy एक्सिस, तो ये सेकंड का कौन सा रहेगा, yz एक्सिस। ठीक है, तो इसलिए डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 2, इन विच मोशन रोटेशनल या ट्रांसलेशनल, रोटेशनल। बराबर है। अभी वाइब्रेशन मोशन कैसे होता है, वाइब्रेशन मोशन अगर नॉन रिजिड है then this atoms can vibrate along this length, जरूरी नहीं है कोई भी direction में vibrate कर सकता है, but if I write on the vibration motion तो यहाँ पे vibrations हो सकते हैं। ठीक है, तो translation नहीं होता है, translation पे रहेगा ना, translation this molecule as a whole will move, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं vibration motion, vibration motion का एक vibration motion का दो degree of freedom क्यों है, पहले मैं वो बता देता हूँ, d square x divided by dt square plus omega square x is equal to 0. This is the equation of an SHM which we are going to study a little bit later. But ये equation आता है SHM, when you solve this differential equations, you will get, आपको दो बार integrate करना पड़ेगा। अब कैसे हम लोग करते हैं वो बाद में देखते हैं, but basic में आपको दो बार integrate करके इसका answer आता है। So that's how you solve the differential. दो बार integrate करोगे तो दो constants आएंगे। That's why one vibration motion has 2 degree of freedom. ठीक है? ओके, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप देखोगे मैथमेटिकली ये कैसे आता है। ठीक है, दिस इज पार्ट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अभी अगर पॉलीएटॉमिक गैस ले लिया, जैसे कि CO2 ले लिया, ठीक है, तो O यहाँ पे रहेगा, O यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे सेंटर पे रहेगा C, तो यहाँ पे CO2 के कंपोजिशन में, CO2 के कंपोजिशन में यू विल चेक दैट, CO2 के कंपोजिशन में यू विल चेक कि फर्स्ट मॉलिक्यूल कितने प्लेन में जाएगा, एक्स वाई, सेकेंड वाई जेड, और थर्ड क्या रहेगा, एक्स जेड। ठीक है, तो यहाँ पे तीन रोटेशन है, और वाइब्रेशन कितने भी हो सकते हैं, बिटवीन ओ एंड सी, बिटवीन दिस ओ एंड दिस सी, बिटवीन दिस टू ओ। ठीक है, तो वाइब्रेशन मोशन में हम डेफिनेटली बोल नहीं सकते कि कितने मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन अ रैंडम वैल्यू एज एफ। दिस इज पार्ट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलिए नाउ वी विल जस्ट सॉल्व वन सम, देन वी विल प्रोसीड विद द थर्मोडायनेमिक्स। राइट डाउन फॉर एक ही सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, फॉर नाइट्रोजन रेशियो में मुझे आंसर बता दो चल जाएगा। फॉर नाइट्रोजन कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, एंड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। Thank you.
रूट के अंदर बस आपको और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सबको मतलब अरे ना जाओ सदेश को बोलते हैं ना, बट ट्रेनर शुद्धि रूट के अंदर आना चाहिए। क्या टर्न तो बेचे से चेक चेक आपने लिखा है, हाँ तो आंसर रेशो में रूट में आएगा जो भी आ रहा है। कांग्रेस आई फॉर 22/7 सबस्टिट्यूट कर लो, 22/7 अरे आई आप सब में से कॉमन ले सकते हो, देख लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, CRMS का वैल्यू कितना रहेगा, रूट ऑफ 3 आरटी, आर का वैल्यू 10^5/3, ओके आरटी टेम्परेचर कितना दिया है 500 डिवाइडेड बाय कितना दिया है 28 ना, 28 इनटू 10^-3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। सिमिलरली एवरेज के लिए बाकी सब डेटा सेम है, इधर क्या आ जाएगा 8/5 और मोस्ट प्रोबेबल के लिए 3 के जगह पे क्या आ जाएगा। पकड़ा बोलिए बोलो सर,
चेक करो, देख लो आप चेक करो, बस इसको तरीके जगह पे टू करना, बाकी जो अंदर के वैल्यूज है वो सब सॉल्व करो, बस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है एग्जैक्ट जरा दो एग्जैक्ट आप देख लो कितना है, ठीक है मुझे देख तो कर सॉल्व करो पकड़ा है चल जो भी आपको आ जाएगा तो रेशियो स्पीड ही रहेगा रूट थ्री बाय रूट टू और उसका रूट थ्री बाय रूट एट बाय पाई, ठीक है डन। चलिए लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, यू विल गेट दिस पार्ट ओके। सो ऑन द नेक्स्ट पेज राइट नाउ अब मैं आपको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज देने वाला हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंड दैट ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर वैलिड एंड ओनली फॉर एन आइडियल गैस, बट द फॉर्मूला फॉर द पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज वैलिड फॉर ऑल द प्रोसेसेस रिगार्डलेस ऑफ द प्रोसेसेस। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया था बट हम लोगों ने ग्राफ नहीं देखे थे, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द ग्राफ्स एंड एवरीथिंग, मैं आपको यहाँ पे वर्क डन का प्रूफ भी दे दूंगा, लास्ट टाइम मैंने से फॉर्मूला दिया था, हम लोग यहाँ पे प्रूफ भी देख लेंगे एवरीवन। So start on a new page and we are first going to check the various type of processes. उसके पहले मैं आपको definition दे दूँगा, so do not copy down this part. ठीक है? थोड़े से basic definition वगैरह दूँगा। Yes, मतलब KDG खत्म हो गया यहाँ पे। This is thermodynamics, मतलब continuation ही है वैसे तो, but start on a new page. ठीक है? Anyway, पहले से रख दो and look here तो। सबसे पहले let us start with the before we start deriving the boundary and everything. वर्कडन का आपको डेरिवेशन केमिस्ट्री में भी हुआ है, बट आपको टेक्स्टबुक में डेरिवेशन दिए है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ। शायद से एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्कडन आपने नहीं किया है, बराबर? उसका एक आपने डेरिवेशन नहीं किया है, ठीक है? लेकिन बिफोर वी गो इनटू द डेरिवेशन, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, ओके, एंड वर्कडन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी, ठीक है, पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। I hope so you understand why it is P external. मैंने अभी आपको reason दिया था, ठीक है? So look here now. So let us first start with a simple process that is isochoric process, ठीक है? So if I start with a isochoric process, मैं आपको सब derivation दे दूँगा. So isochoric process के लिए, if I write this down, we are going to solve all the sums together. जितने भी यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस पे है वर्क डन एंड ग्राफ सबके सब हम लोग एक साथ ही करेंगे, ठीक है? सो ओवर हियर, इफ आई चेक दिस पार्ट, लुक हियर, सो आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट। सो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कह रहे से T1 by T2 is equal to T1 by T2, ये मैंने कर भी दिया था, बट लुक हियर, let us quickly go through this processes, ठीक है? Isochoric process है, volume constant है, work done का formula क्या होता है? Integration of P external into dV, but can I say P external into यहाँ पे आ जाएगा dV, ठीक है? P external into dV, but dV का value कितना है? Zero, ठीक है? Isochoric process है तो volume change हो रहा है क्या? नहीं, तो volume change होगा तो work done कितना रहेगा? Is this part clear? For this process, we are going to draw the three graphs. एकदम सिंपल सा एक बात समझ लो कि प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर तीन ही क्वांटिटीज हैं, तो तीनों के बीच में ही ग्राफ आएगा। ग्राफ बेस सम्स आपको नीट और जेडब्ल्यू में मैक्सिमम आते हैं, ठीक है? So understand this part, how to calculate these values. इसमें जेडब्ल्यू में आपको दो तीन प्रोसेसेस मिक्स करके भी आ सकते हैं, नीट में भी आते हैं, बट नीट में इतना टफ नहीं आता, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट अंडर अ मिनट, ठीक है? So look here. Okay. So if I draw the first graph will be between. Okay. So the first graph will be कौन सा निकाल दो? PV निकाल दो. अब यहाँ पे ध्यान से. PV. Second is PT graph. And the third one is VT graph. ठीक है? मैं तीन graph निकाल रहा हूँ. PT, PV and VT. ठीक है? Graph. Understand how to plot the graph and what is the logic behind the graph. Everyone look. So, मैं आराम से सब प्रोसेसेस देखूंगा, then we will proceed. ISO कौन सा प्रोसेस है? कोरिक। मुझे बताओ अगर ISO कोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम क्या हो गया? इसमें से कौन सा एक्सिस कॉन्सर्ट हो गया? एक्सिस है वाई एक्सिस। कौन सा कॉन्सर्ट है? वॉल्यूम एक्सिस।
वॉल्यूम कौन सा एक्सेस पे, एक्स या वाई पे, कौन सा एक्सेस पे, एक्स पे या वाई पे, एक्स पे, तो एक्स एक्सेस वॉल्यूम कौन से इस पे, वॉल्यूम एक्स एक्सेस पे, तो एक्स एक्सेस हो गया कॉन्स्टेंट, तो एक्स में कोई भी चेंजेस आएंगे क्या, चेंजेस एक्सेस पे आएंगे वाई में, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है ऊपर तक जाएगा, लेट दिस पॉइंट बी ए, लेट दिस पॉइंट बी बी, मैं एरो नहीं ड्रॉ कर रहा, ठीक है, पर दिस आर द टू पॉइंट्स, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन। सेकंड है पीटी, इसमें कोई भी क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है क्या, ध्यान से देखना, तो कोई भी क्वांटिटी अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो प्रेशर और टेम्परेचर का क्या प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा, कैन आई से पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीटी, पी रेज टू क्या है यहाँ पे, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज स्ट्रेट लाइन और कर्व, बस आप ये देख लो पावर पी रेज टू क्या है, पी रेज टू क्या है, स्ट्रेट लाइन है या कर्व, सो यहाँ पे कैन आई से दिस विल बी दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल पास थ्रू द ओरिजिन, बट आप टेम्परेचर टेक्निकली जीरो नहीं ले सकते, ठीक है, सो अगर आप ये स्लोप पे एक्सटेंड करोगे इट विल पास थ्रू द ओरिजिन, अगर आप टेम्परेचर केल्विन में लेते हो तो, बट डू नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि वो कभी भी टेम्परेचर जीरो नहीं हो सकता, सो दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, सो लुक हियर, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, मुझे बताओ क्या कोई क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है क्या, यस, कौन सा वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, सो ओवर हियर वॉल्यूम वाई एक्सिस पे कौन सा एक्सिस चेंज होगा, एक्स एक्सिस चेंज होगा, वॉल्यूम वाई एक्सिस क्या रहेगा, ओके, यहां पे ये ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट क्या हो गया बी, ठीक है, ये समझ में आया, एवरीवन इज क्लियर विद दिस, ठीक है, सो लुक हियर, सो इफ आई कंसीडर द नेक्स्ट ग्राफ, ठीक है, इफ आई कंसीडर द नेक्स्ट प्रोसेस आइसोकोरिक हो गया, लेट अस चेक आइसोबारिक, ठीक है, सो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए इफ आई राइट डाउन आइसोबारिक प्रोसेस के लिए व्हाट रिमेंस कांस्टेंट, प्रेशर, सो ओवर हियर द प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, तो मुझे बताओ v1 / v2 = t1 / v2, तो वर्क डन अभी सबसे पहले फाइंड करते हैं, वर्क डन = p एक्सटर्नल / dv, ठीक है, p एक्सटर्नल / dv, टेल मी प्रेशर कांस्टेंट है या वेरिएबल है, Can it come out of the integration? Yes. So, क्या आ जाएगा यहाँ पे P into dV. तो delta V आ जाएगा. Can I write this as V2 minus V1? ठीक है. Simple सा formula आ गया. Now look here. Before I plot the graph, यहाँ पे let me mark the value. सबसे पहले the first value I'm going to plot is between P and V. The second is between P and T. And the third one is between V and T. बराबर है? अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, सो लुक हियर, सो इफ आई प्लॉट द फर्स्ट ग्राफ, ठीक है, इफ आई प्लॉट द फर्स्ट ग्राफ, उसको उठा लो, सेकंड स्केच, कैन यू ड्रॉ दिस ग्राफ, ठीक है, सो लुक हियर, सो ओवर हियर इफ आई चेक द वैल्यूज, एवरीवन लुक हियर, सो इफ आई चेक द वैल्यूज, सबसे पहले यहाँ पे क्या कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब पक्का, तो कौन सा एक्सिस कॉन्स्टेंट है, तो कौन सा एक्सिस चेंज होगा, तो कैसे ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व, कहां से स्टार्ट होगा, राइट, हॉरिजॉन्टल रहेगा वर्टिकल रहेगा, लुकिए एरिया लिखिएगा, तो मुझे बताओ कौन सा एक्सिस कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो कहने से सबसे पहले y एक्सिस विल रिमेन कांस्टेंट, x एक्सिस विल चेंज, सो कहने से यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे चला जाएगा, दिस इज पॉइंट a एंड दिस इज पॉइंट b, ठीक है, सेकंडली इफ आई ड्रॉ p वर्सेस t, कोई एक्सिस याद, कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है क्या, यस, कौन सा है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कौन सा एक्सिस पे, x पे या y पे, y पे, तो क्या चेंज होगा, x एक्सिस, x एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा चेंज, ठीक है, सो यहाँ पे x एक्सिस, सो यहाँ पे x एक्सिस हो जाएगा चेंज, सो ओवर हियर कैन आई से आई विल गेट अ ग्राफ समवॉट लाइक दिस, दिस इज a एंड दिस इज पॉइंट b, ठीक है, लास्ट वॉल्यूम और टेम्परेचर कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट है क्या, नहीं, तो यहाँ पे देयर विल बी अ सर्टेन रिलेशन, बट बिफोर वी डिराइव दैट रिलेशन मुझे बताओ वॉल्यूम और टेम्परेचर पे क्या प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन रहेगा या कर्व, कैसे पता चलता है, क्या है, 1 क्या है,
ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बट हम लोग पास करेंगे क्या नहीं, ठीक है। सो लुक हियर, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, जस्ट कॉपी दिस डाउन। इसके बाद हम लोग डिफिकल्ट प्रोसेसेस पे जाने वाले हैं, हाँ न्यू पेज पे स्टार्ट कर लो, थोड़ा सा बाहर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस लिख दो एंड कॉपी दिस डाउन। बता रहा हूँ स्विच ऑफ नहीं करूंगा, बार बार ऑन ऑफ कर रहा हूँ। स्वयं स्टार्ट हुआ है क्या, स्वयं हो गया ना पोजीशन, जो शशांक सर के लेक्चर से क्या आज नहीं, नेक्स्ट वीक मंडे, ओके। ठीक है, देख लो पहले, आपको मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूंगा बाद में, क्योंकि जेडब्ल्यू वालों को एक गैस सिलेंडर्स में स्पेशल टाइप ऑफ सम्स आते हैं जो नीट में नहीं आते, मतलब उतना डिटेल में, सो आई एम गोइंग टू टीच दैट पार्ट सेपरेटली, तो मैं आपको बता दूंगा कभी है वो लास्ट में हो जाएगा एकदम एंड में, ठीक है, तो आफ्टर माइट बी आफ्टर टू लेक्चर्स, ठीक है। Yes, दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा है नहीं, और ऑलरेडी यह है कंप्लीटेड थर्मोडायनेमिक्स ग्राफ राइट में और सब जो लिखना है वो लेफ्ट में। ग्राफ थोड़ा सा राइट में लिख लो, आइसोथर्मल तो इसके बाद होगा बोर्ड का साइज इतना ही बाद में आगे पीछे वापस कर बताया मुझे उसके भी Thank you.
Okay, let us go to the next part. Okay, done. Okay. So यहाँ पे we have seen two processes. ये graph ध्यान से देखो, ठीक है? Graph पे आपको sums आते हैं, ठीक है? So there are various types of sums which are expected in the exam जो आपको सीधा graph based रहेंगे, ठीक है? ध्यान देना. Okay, are you done with this? ठीक. Yes. Okay. So we are going to check the next process. Next process यहाँ पे देख लेते हैं. Isobaric हो गया, isochoric हो गया, next will be isothermal. So if I consider an isothermal process, so isothermal process. So isothermal में क्या constant रहेगा? Temperature. So the temperature will remain constant. तो अगर temperature constant रहेगा, so can I say temperature is equal to constant? Can I say P1 by P2 is equal to P2 by P1? Inverse proportionality हो जाता है ना? Yes. So look here, temperature क्या हो गया? Constant. So inverse proportionality हो गया. So look here. Gordon find करते हैं. Gordon का सबसे simplest formula. Gordon is equal to P into dV. ठीक है, P external है ये. But dV is equal to nRT. बराबर है? dV is equal to nRT. अभी problem ये है कि इंटीग्रेट करने से पहले मुझे बताओ प्रेशर चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है यहाँ पर? मुझे कैसे पता चला कि प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल. तो मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट. प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएंगे? चेंज. तो प्रेशर कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है. बट यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं डीवी, यहाँ पे दो वेरिएबल अलग अलग है जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं और जो वेरिएबल है वो अलग अलग है. तो P को सबसे पहले आपको किस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा? V में. अभी नहीं कन्वर्टेड थे P. A is equal to nRT divided by V. यहाँ पे लेटर सब्सट्रेट दिस वैल्यूज nRT divided by V into dV. बराबर है? N कांस्टेंट है या वेरिएबल है? R कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट क्योंकि देखा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है. 1 by V into dV, 1 by V का इंटीग्रेशन log V. So, मतलब action logarithm of V, बराबर है, limits are from V1 to V2, so work done will be equal to nRT. Action logarithm की term से पहले मैं लिख देता हूँ, log of V2 minus log of V1, ऐसी substitute करते हैं, ठीक है? So, can I write this part as log A minus log B का formula क्या होता है? Log A by V. If I converted into the logarithm to the base 10, तो 2.3 आ जाएगा. 0.3 nRT log of V2 divided by, अगर सपोज कि मैंने इसको सेम P के टर्म्स में लिखा तो क्या लिख सकते हैं? log of P1 divided by P2. ये कहाँ से आया? V2 by V1 क्या है? P1 divided by P2. This is part clear to everyone? ठीक है, चलिए. So यहाँ पे वर्कडन का फॉर्मूला आया. Okay, then we are going to draw the graph. The graph is between, so look here now. The graph is between PV में थोड़ा शॉर्ट में ग्राफ निकाल रहा हूँ, ठीक है? स्मॉल में यहाँ पे ग्राफ निकालो, बट आप सेम साइज का निकाल दो, ठीक है? ओके. सो इफ आई कंटिन्यू दिस ग्राफ, ठीक है? सो हम यहाँ पे देख लेते हैं. द फर्स्ट ग्राफ इज बिटवीन पी एंड वी. सेकंड कौन सा निकल रहा था? पी एंड टी निकल रहा था. लास्ट पी एंड टी, नॉट राइट, लुक वी आर टी, ठीक है? तो यहाँ पे इफ आई ड्रॉ दिस ग्राफ, ओके, थोड़ा सा दूसरा कलर ट्राई कर लेते हैं एक बार. सो लुक हियर. So if I draw the P versus V graph, पहले P versus V graph पे बाद में draw करता हूँ. तो यहाँ पे
If I draw the PT graph, कोई भी चीज constant है क्या यहाँ पे? Yes, constant temperature, तो कौन सा axis constant है? X axis या y axis? X axis constant है, तो changes किसमें आएंगे सर? Y. तो यहाँ पे अच्छा लगे If I consider PV graph, पहले VT देख लेते हैं VT कोई भी axis constant है क्या? X axis constant है तो changes किस में आएंगे? Y axis में तो यहाँ पे same graph आ जाएगा ये point A रहेगा ये point क्या रहेगा B ठीक है so if I plot the PV graph now this is interesting can I say देखिए एक so curve आ जाएगा how do I know that it is a curve simple है pressure inversely proportional to volume है ना So pressure raised to 1 है, but volume raised to क्या है? Minus 1 है. तो 1 और 1 है या 1 और minus 1 है? Minus 1, तो center रहेगा या curve? Directly proportional है inversely. तो pressure maximum रहेगा तभी volume क्या रहेगा? Minimum. और जब ये volume maximum रहेगा तभी pressure minimum. Can I get a graph somewhat like this? Okay. ये point यहाँ पे A रहेगा and this point will be B. ठीक है? So A रहेगा यहाँ पे A point क्या रहेगा B. ठीक है? मैं arrow कहाँ पे भी draw नहीं कर रहा. ठीक है? प्रोसेसेस कोई भी पॉसिबल है ठीक है डू नॉट राइट यहां पे देख लो ठीक है तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया आइसोथर्मल लास्ट प्रोसेस कौन सा बोला स्टैंडर्ड प्रोसेसेस पे जरूरी नहीं है कि इतने ही प्रोसेसेस रहेंगे ये स्टैंडर्ड प्रोसेसेस है ये प्रोसेसेस छोड़ के दूसरे भी प्रोसेसेस पॉसिबल है ठीक है ये स्टैंडर्ड प्रोसेसेस है मोस्ट ऑफ द सम्स विल बी बेस्ड अराउंड दिस प्रोसेसेस ठीक है ध्यान देना लास्ट है यहां पे प्रोसेस कौन सा रहेगा एडियाबेटिक So the last process over here is the adiabatic process. Adiabatic के लिए थोड़ा सा इसका derivation difficult है. तो यहाँ पे देख लो. सबसे पहले adiabatic के लिए delta Q कितना रहेगा? Zero. तो net heat transfer will be equal to zero. PV raised to gamma will be equal to constant. So can I write P1 V1 raised to gamma is equal to P2 V2 raised to gamma will be equal to constant. ठीक है ध्यान देना आई एम गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बट बिफोर वी गोइंग टू दैट पार्ट और आगे भी यूज करूंगा मैं बट बिफोर वी गोइंग टू दैट पार्ट अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग डू नॉट राइट लुक हियर सो ओवर हियर कैन आई राइट P1 डिवाइडेड बाय P2 विल बी इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय सॉरी V2 डिवाइडेड बाय V1 द होल रेज टू गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पहले वो मुझे बता दो इनवर्स P1 को अगर आपको चेक करना है तो V1 के साथ कंपेयर करो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बट ये ज्यादा क्विकली डिप होगा इसका मीनिंग क्या है मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ बट दिस ग्राफ विल डिप क्विकली एज कम्पेयर टू द आइसोथर्मल आइसोथर्मल में भी इनवर्सली था ना बट ओवर देयर द ग्राफ विल नॉट डिप सो क्विकली मीनिंग थोड़ा सा मैं बाद में बताता हूँ बट यहाँ पे ध्यान देना ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पहले तो मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेता हूँ देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड ठीक है वर्क डन या फिर मैं थोड़ा सा वर्क चलो पहले वर्क डन का मैं लिख देता हूँ बाद में वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दैट वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी प्रेशर कांस्टेंट है या वेरिएबल है वेरिएबल तो ध्यान दो कैन आई राइट प्रेशर एज लुक हियर नाउ प्रेशर को मैं पीवी रेज टू गामा दो इक्वेशन यूज करने वाला हूँ ठीक है ध्यान देना PV raised to gamma is equal to C, तो P को मैं क्या लिख सकता हूँ C divided by V raised to gamma. So integration of C divided by V raised to gamma into dV. ठीक है? मैं ग्राफ इसका बाद में बनाऊंगा ठीक है बट लुक हियर नाउ वर्कडन का ये फॉर्मूला आ गया सो लुक हियर कैन आई टेक C तो कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ V raised to minus gamma में ले लेता हूँ into dV. So वर्कडन विल बी इक्वल टू C constant है V raise to minus gamma का integration क्या हो जाएगा? X raise to n का integration क्या होता है? X raise to n plus 1 divided by n plus 1 ठीक है? So this is the integration ठीक है? So integration आई थिंक सो आपको सबको पता ही है नीट वालों को भी basic integration बताया रहेगा ठीक है? ये
ठीक है, तो ये जो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर है इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नेट वालों को मैं बता दूं ऑलरेडी, ठीक है। सो ओवर हियर लुक हियर, सो बेसिकली दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ बी रेज़ टू माइनस गामा, बी रेज़ टू माइनस गामा का डॉट राइट कितने बार बोलूं, लुक हियर। सो ओवर हियर बी रेज़ टू माइनस गामा का इंटीग्रेशन है, बी रेज़ टू माइनस गामा का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, बी रेज़ टू माइनस गामा प्लस वन। So over here b raised to minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1. Limits are from b1 से लेके कहाँ तक b2, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। So this will be equal to c into minus gamma plus 1, ये तो constant हो गया specific iteration, minus gamma 1 plus 1 को मैं 1 minus gamma लिख सकता हूँ, similarly b को भी क्या लिख सकता हूँ, 1 minus gamma. Can I write this as b divided by b raised to gamma? Limit मैंने अभी तक substitute नहीं किया, b to divided by b1. ये step में किसको issue है तो बता। ये step सबसे crucial है, ये derivation अभी आपको introduce हुआ है boards में, तो आने के chances हैं, आप बोलो। नहीं समझा? ठीक है बाकी। यहाँ तक समझा derivation कैसे है? ठीक। Minus gamma plus one को मैं बाहर ले रहा हूँ, तो one plus gamma हो गया। ये तो ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ बाहर ले लिया integration के, मैंने कुछ किया नहीं। b raise to minus gamma plus 1 है, can I write this as b raise to minus gamma into b raise to plus 1 बराबर है, यही होता है law of thirds, b raise to minus gamma को मैं नीचे ले लूंगा, तो b raise to 1 तो b होगा, ये b raise to क्या हो जाएगा, gamma। अभी ठीक है, गुलाबी में डाउट है तो पूछो। I hope everyone is clear with this, ठीक है, चलो now look here. तो अभी what am I going to do over here is I will erase first. So look here. So what am I going to do over here? I am going to check the value of c वगैरह हम लोग substitute कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, पहले तो मैं यहाँ पे constant of integration substitute कर देता हूँ, ठीक है? Sorry, limits of integration। ये क्या हो जाएगा? V2 divided by V2 raised to gamma minus V1 divided by V1 raised to gamma, ठीक है? मैं c को अंदर ले लेता हूँ, तो 1 divided by 1 minus gamma will be equal to c into v2 divided by v2 raised to gamma minus c into v1 divided by v1 raised to gamma, ठीक है? ये वाले c को, ये जो first आया है c, उसको मैं p2 v2 raised to gamma लिख देता हूँ, ठीक है? उसको मैं p2 v2 raised to gamma लिख देता हूँ, तो v2 raised to gamma cancel out हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ p2, so 1 divided by 1 minus gamma p2 बचा, और ये v2 तो ऑलरेडी था, so this will be equal to v2 minus, यहाँ पे क्या बचेगा, v1 v1, so work done will be equal to last step, p2 v2 minus p1 v1 divided by 1 minus gamma, या फिर work done will be equal to p1 v1 minus p2 v2 this divided by gamma minus 1, ठीक है, so this is the सिंपल डेरिवेशन, ठीक है, तो सिंपल ही है एक्चुअली, बस इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। ये स्टेप बहुत लोग मिस कर देते हैं, ठीक है, बोर्ड के पेपर मैंने देखे हैं, तो बोर्ड के पेपर में ना ये सी के बाद का स्टेप किसको याद नहीं रहता, ये वाला स्टेप थोड़ा सा क्रूशियल है, याद रखना, ये आपको जल्दी से याद नहीं रहेगा, ठीक है, तो सी को आपको रिसब्स्टिट्यूट करके ये वाला स्टेप लेके आना है। इसको बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के, ये वन ऑफ द मेथड है, या फिर पहले आप सी को दूसरा सब्स्टिट्यूट करो और इंटीग्रेटिव उसके हिसाब से करना, ये दूसरा मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। So, बहुत सारे मेथड्स हैं, so I think so this is one of the preferred methods, ठीक है? After this we are going to draw the graph, but first copy this down, मैं graph बाद में आपको बता देता हूँ कैसे करना। Graph के पहले आपको पहले relationship लेके आना पड़ेगा, pressure, volume और temperature. Thank you.
ग्राफ नहीं निकला, पर ग्राफ से पहले मुझे एक रिलेशन चाहिए तीनों के बीच में, और रिलेशन पहले डेराइव करना पड़ेगा। आप कर लोगे? ये ट्राई कर लो, अगर हो गया रहेगा तो रिलेशनशिप ट्राई कर लो। वो तो इनवर्स है, वो तो ठीक है, इनवर्स है ना एडिटिंग के लिए, मैं बोल इनवर्स है ना। बट कैसे? हाँ डायरेक्टली है, बट स्ट्रेट लाइन है, कर्व है। अगर कर्व है तो कौन सा डिग्री का कर्व? कर्व है तो कौन सा डिग्री का? माइनस वन का, प्लस टू का है, प्लस थ्री का है, और फिर गामा से इतना बट क्या माइनस वन? ये वैसे कोई ज्यादा टफ नहीं है। बोलिए बोलिए क्या हो गया? डाउट है? अरे वो आ गया था, बीच में दिख भी रहा था, आ गया था। डेरिवेशन आपको बोर्ड्स में आएगा, सम सबको नीट में आ सकते हैं, ये सबसे को ज्यादा टफ है नहीं। हम लोग सम सॉल्व करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट, बट थोड़ा सा इसको फास्ट सॉल्व करने का मैं आपको मेथड बता देता हूं, ठीक है? अब एडियाबेटिक ग्राफ बाकी है, देखिए राइट एंगल डन Thank you.
अगर हो गया रहेगा तो प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने का ट्राई करो. प्रेशर और टेम्परेचर और प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दे रहा है. हम लोगों से प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन पता है ना हमें. प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम और टेम्परेचर हाँ वो तो ठीक है. वॉल्यूम टेम्परेचर इक्वल्स बट क्या बट मुझे एक पावर चाहिए. माइनस वन माइनस वन का सीधा माइनस वन का नहीं रहेगा. लुक हियर एवरीवन लुक हियर यस लिख लो लिख लो. So look here. So if I take look here. So if I take a body, okay, and suppose I want to check the pressure and temperature or volume temperature ke beech mein relationship chahiye, okay? So look here. So I am going to derive the relation, but before we derive the relation, pressure and volume ke beech mein proportionality kya hai? Inverse proportionality hai. So if I check this part, look here. So if I check this part, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी इतना तो सबको समझ में आ गया. प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रेज टू गामा. ठीक है अब मुझे प्रेशर और वॉल्यूम के सॉरी प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन पता चल गया. लेट अस डिराइव बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फर्स्ट. Then we are going to derive between pressure and temperature. ठीक है? तो volume और temperature के बीच में relationship कैसे establish करेंगे? Okay. PV is equal to nRT. So can I write this as nRT divided by V is equal to C divided by V raised to gamma. Understand that value of gamma will always be greater than one. अगर monoatomic के लिए भी देखोगे तो 5/3 आया. तो greater than one है ना? 1.66 है. ठीक है? अगर आप diatomic के लिए देखोगे diatomic के लिए कितना आया था? सबसे इम्पोर्टेंट है. अब यहाँ पे देखो एन और आर भी तो कॉन्स्टेंट ही है बराबर है. एन और आर भी तो कॉन्स्टेंट है तो टी का प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय वी रेज टू गामा माइनस वन बराबर है ये. ठीक है ये भी अगर आप देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो टी वन डिवाइडेड बाय टी टू विल बी इक्वल टू वी टू डिवाइडेड बाय वी वन रेज टू गामा माइनस वन. ठीक है ये सेकेंड टेम्परेचर और इसके बीच में हो गया. लास्ट मुझे क्या चाहिए? टेम्परेचर और प्रेशर. ठीक है लास्ट मुझे चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर. यहाँ पे मैं वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. क्या सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पे वॉल्यूम को? मैं क्या लिखूंगा? एनआरटी रेस टू क्या? एनआरटी डिवाइडेड बाई पी रेस टू गामा. ठीक है लेट अस ओपन द ब्रैकेट. पी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई एनआर तो कॉन्स्टेंट ही है. टी रेस टू गामा इंटू पी रेस टू गामा. ठीक है तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो. ओके कैन आई राइट दिस पार्ट एज टी रेस टू गामा को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. इसको करो टू सी इंटू पी रेस टू गामा माइनस वन. डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है इनवर्स है डायरेक्ट है. ठीक है तो क्या आ जाएगा? टी रेस टू गामा. अभी देखो यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी हो गई. टी वन डिवाइडेड बाई टी टू विल बी इक्वल टू पी वन डिवाइडेड बाई पी टू रेस टू गामा माइनस वन. Is this part clear to everyone?
बट फिर भी कोई भी यहाँ पे इक्वेशन मुझे स्ट्रेट लाइन दे रहा है जब नहीं। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन भी पी वन पी रेशो क्या है, अगर आप ये देखो ये तो इनवर्स ही है ठीक है। सो यहाँ पे लुकिए, इफ आई प्लॉट द ग्राफ विल लुक समवॉट लाइक दिस ठीक है। द ग्राफ इज गोइंग टू लुक समवॉट लाइक दिस, दिस इज पी वी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली इनवर्स, पी टी, पी टी डायरेक्टली है इनवर्सली है डायरेक्टली, बट स्टिल कर्व ठीक है। लास्ट है वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्ट है इनवर्स है इनवर्स। So understand that if I substitute the formula, PV, PV का graph वापस isothermal की तरह ही आ जाएगा, but ये dip ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? Any one देखिए, PT, PT क्या है यहाँ पे? Directly proportional है, inversely proportional है, directly. So I will get a curve somewhat like this, ठीक है? Curve रहेगा, but increasing curve रहेगा क्योंकि directly proportional है. And last यहाँ पे volume and temperature वापस क्या है? Inverse है. इसका curve और इसका curve अलग-अलग रहेगा. ठीक है, सो लुक हियर, दिस इज ए टू बी, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, दिस इज ए टू बी एंड लास्ट पॉइंट इज दिस इज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे ये हो जाएगा ए एंड ये पॉइंट हो जाएगा बी ठीक है। सो दिस इज, दिस विल बी द ग्राफ्स बिटवीन द पीवी पीटी एंड बीटी कर्व्स ओके। लिख लो ये वाला पार्ट, जो बाकी है, जो बाकी है वही लिख लो। आपको बैठना है? अगर सी को डिवाइड हो गया तो वापस कांस्टेंट ही देना, उसको सी देखो, सी को सी डैश को जो भी है बस कांस्टेंट ही बचा क्या यहां पे सर टी, समझो बी यहां पे चला गया, मुझे भी नीचे है बिल पे बी रेशो चला गया ये वाला कर मैंने यहाँ से लिया, तो यहाँ से मैंने लिया, तो B को मैंने क्या लिखा है, PV is equal to NRT है ना, तो B को मैंने क्या लिखा है NRT divided by P, और इसको ध्यान था ना उसके बाद का एनआर वापस कांस्टेंट है ये निकल रहा है, क्या बचा यहाँ पे टी रेस तो क्या है, डिनोमिनेटर में बचा टी रेस तो क्या है, ये टी रेस तो क्या है, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो काफी चला के नहीं होता, और उसके बाद क्या किया है यहाँ पे टी रेस तो गामा को यहाँ पे लिखी गया हूँ मैं, यहाँ पे आ गया ये पी डिवाइड हो गया, तो पी रेश्यो क्या है माइनस वन, पी रेश्यो क्या है पी रेश्यो गामा आ गया वो Thank you.
आपको यस एवरीवन ओके सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी आपको हर एक इसके बाद होमवर्क आ जाएगा. वो जो अभी होमवर्क होगा आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चंस वंस अगेन एंड अगेन. आपको ग्रुप में एक मैसेज आया रहेगा, बाद में आप चेक कर लो. ठीक है, मैसेज में एकदम आपको ब्रीफली बता देता हूँ. ठीक है, ब्रीफली ये है कि ओके आपको दो स्क्रीनशॉट्स आए रहेंगे ऑफ टू चैप्टर्स, हीट वन एंड हीट टू, दैट इज बेसिकली हीट एंड थर्मो पूरा. ठीक है, और दो स्क्रीनशॉट में ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो स्क्रीनशॉट्स में आपको ऊपर लेक्चर नंबर लिखे रहेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और नीचे सब टॉपिक्स लिखे रहेंगे. ठीक है, और सब टॉपिक्स 19-20 हो जाएंगे. ठीक है, अभी के लिए हम लोग इतना ही करेंगे. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट. ठीक है, सो ये पहले हम लोग एंड कर देते हैं.